में डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ, आपका हमारे YouTube चैनल सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं सभी माता पिता के लिए जिनके बच्चे नर्सरी केजी और पहली कक्षा में दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वह माता पिता जो पिछले 2-3 महीनों से EWS और DG कैटेगरी के तहत अगली लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार आज खत्म हुआ। 11 जून को DOE ने अपने ऑफिस में ड्रॉ का रिजल्ट निकाल दिया है और आज उन्होंने वह रिजल्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.edudel.nic.in पर अपलोड कर दिया है। तो कैसे देख सकते हैं आप EWS और DG कैटेगरी के तहत दूसरी जो लिस्ट निकली है उसका रिजल्ट। साथ ही साथ हम आपको कहेंगे कि हमने अपना वादा पूरा करा है, हमने आपसे वादा किया था कि जब भी लिस्ट आएगी हम आपको उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर आएंगे। हमारी इस वीडियो से पहले भी हमने एक वीडियो पब्लिश करी थी, अपलोड करी थी, जिसमें हमने आपको जानकारी दी थी किस दिन रिजल्ट आने वाला है। अब रिजल्ट वेबसाइट पर आ चुका है, अब वेबसाइट पर कैसे रिजल्ट देख सकते हैं हम आपको वह जानकारी भी अपनी इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ आप सबको धन्यवाद भी कहना चाहते हैं कि भारत का EWS DG कैटेगरी के तहत जो ये टॉपिक है जिसमें इन बच्चों का EWS और DG कैटेगरी के तहत नर्सरी KG और पहली कक्षा में एडमिशन होता है और आगे EWS के तहत दूसरी से 9वीं कक्षाओं में एडमिशन हुआ है, पूरे भारतवर्ष में सबकी शिक्षा सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला चैनल रहा है। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप, जिसे सबसे ज़्यादा देखा गया पूरे साल इस विषय पर, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे यह अपील भी करेंगे और आप सबसे यह कामना भी करेंगे, आप सबसे यह आग्रह करेंगे कि जिस तरह आपने अभी तक हमें अपना प्यार और स्नेह दिया है, आगे भी हमें इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहे। अब बिल्कुल भी आपका समय नहीं जाया देर होने देंगे। आप देखेंगे पन्ने के दूसरी तरफ EWS DG फोर्थ ड्रॉ लिस्ट 2019-20 लिखा है। फोर्थ ड्रॉ टोटल जितने ड्रॉ हैं चौथा ड्रॉ है, लेकिन EWS DG कैटेगरी के तहत नर्सरी KG और पहली कक्षा के जो रिजल्ट है उसका यह दूसरा ड्रॉ है। जल्दी से उस पर क्लिक कर दीजिए, खुलकर इस तरह का पन्ना आपके सामने आएगा जिस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है कि यदि यह पाया गया कि आपने गलत डॉक्यूमेंट जमा करे हैं तो आपका रिजल्ट जो होगा वह कैंसिल कर दिया जाएगा, बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। साथ ही साथ हो सकता है माता पिता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी करी जाए क्योंकि उन्होंने लोगों को गुमराह करने की कोशिश करी है और जो बच्चे जिनका नाम आ सकता था उनका नाम आने से रोका है अपने गलत डॉक्यूमेंट्स देके। साथ ही साथ यह भी लिखा है कि अगर यह पाया गया कि एक से ज़्यादा बार ऑनलाइन फॉर्म भरा गया है तब भी बच्चे का दाखिला कैंसिल हो सकता है। यह सारी बातें हम आपको बहुत बार बता चुके हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं इनमें से कुछ भी आपने नहीं किया होगा। आगे लाल रंग में लिखा है आई हैव रेड द अबव इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, मतलब मैंने सारी जो ऊपर जानकारी दी है मैंने पढ़ ली है। और ब्रैकेट के अंदर लिखा है क्लिक टू कंटिन्यू, क्लिक टू कंटिन्यू मतलब आगे बढ़ने के लिए क्लिक करिए, जल्दी से कर डालिए क्लिक। ये देखिए आपके सामने आ गया है रिजल्ट, EWS DG कैटेगरी नर्सरी KG क्लास 1 का रिजल्ट आपके सामने आ गया है। और आप जानते हैं कितना बड़ा रिजल्ट है, ये 240 पन्नों का रिजल्ट है, 240 पेजेस इन ऑल, 240 पेजेस का रिजल्ट है नर्सरी KG क्लास 1। देखिए शुरुआत में लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या है बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम, बच्चे के माता का नाम, गार्जियन का नाम, स्कूल का अलॉटेड ID क्या है, किस स्कूल में बच्चे का एडमिशन हुआ है, कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ है, ये सारी डिटेल्स दी हैं। देखिए 240 पन्नों का है, इसमें आपने अपने बच्चे का नाम देखना है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपके बच्चों का अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन होए और जितनी आपने इतने समय से मेहनत करी है और आप परेशान हैं आपको ऊपर वाला आपकी मेहनत का फल ज़रूर दे, आपने बहुत मेहनत करी अपने बच्चों के लिए। लेकिन साथ ही साथ एक और बात भी आपको बताना चाहेंगे कि 240 पन्नों का रिजल्ट है तो हो सकता है कि आपको लगे कि हम इतने 240 पन्नों में अपने बच्चे का रिजल्ट कैसे ढूंढें, 240 पन्ने तो बहुत ज़्यादा है, कैसे ढूंढे कैसे ढूंढे। देखिए आपको एक तरीका बताती हूँ, अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं अपना रिजल्ट या आप देख रहे होंगे तो ऊपर एक डब्बा बना है, डब्बे के ऊपर एक तीर बना है, तीर ऊपर के निशान में बना हुआ है, एक चौकोर डब्बा स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर एक एरो, एरो ऊपर की तरफ। देखिए सबसे ऊपर लिखा है edudel.nic.in,
उसके आगे एक गोला सा बना है और उसके आगे एक डब्बा, उसके ऊपर तीर ऊपर का बना है, उस पर हमने क्लिक कर दिया। इस तरह से लिखा जाएगा। अब हम नीचे वाली लाइन को यूं करके घुमाएंगे आगे तो एक लेंस सा बना आ जाएगा, यूं लेंस बना आ जाएगा। ये लेंस सबसे बीच में जो लेंस है, ये लेंस को हम क्लिक कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, नाम डालते हैं। मान लीजिए बच्चे का नाम है वी, से बच्चे का नाम है, या वी व्योम नाम है, वी वाई, ओ आगे है, एम आगे है। अब हम डन कर देते हैं, बच्चे का नाम है व्योम। तो अब हम देखते हैं कि कहीं निकाला है, लाल रंग से कहीं रिजल्ट दिख रहा है। इस जहाँ इस बच्चे के, चलिए उदाहरण के तौर पर कुछ और नाम लेती हूँ, आसान नाम लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं रोहित, क्लिक कर दिया। अब जितने भी रोहित होंगे, लिखा है नीचे 1 of 51 मैचेस, यानी 51 मैच है, 51 रोहित को उन्होंने पीले रंग में कर दिया है। अब आप आगे बढ़ाते चले जाइए, जितने भी रोहित होंगे सबको पीला करा होगा। आगे बढ़ाते चले जाए, आपको रोहित सब रोहित का रंग पीला नजर आएगा। इस तरह आप रिजल्ट देख पाएंगे। जहां आपके बच्चे का नाम होगा वहां पे आपको लिख देना है और वह नाम येलो कलर में आ जाएगा। पूरा नाम लिख दीजिएगा और वह नाम येलो कलर में बच्चे का नाम आ जाएगा। फिर से एक और उदाहरण देती हूँ, आपने लिख दिया यहाँ पे कन्निका, कन्निका पे आपने सर्च मारा, कन्निका नाम आ गया सामने। तो जो आपके बच्चे का नाम है डाल दीजिए, आपके बच्चे के नाम पे पीले रंग से आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप रिजल्ट ढूंढ पाएंगे अपने बच्चों का। फिर भी आपको रिजल्ट ढूंढने में परेशानी आए तो अपने किसी सगे संबंधी पास पड़ोसी की मदद ले लीजिए, या आपके घर के में कोई भी ज़्यादा कंप्यूटर की नॉलेज जानता है उससे आप मदद ले लीजिए। क्योंकि 240 पन्नों में अपने बच्चे का रिजल्ट देखना शायद थोड़ा सा आपको इसमें मुश्किल ना आपको होए। तो उम्मीद करते हैं आप इस तरीके से अपने बच्चों का रिजल्ट देख पाएंगे। लिस्ट आपके सामने है, आप नाम पढ़ भी सकते हैं या किसी की मदद ले सकते हैं नाम देखने के लिए। आप सभी को फिर से ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपके बच्चों का सुंदर, बेहतर और उज्जवल भविष्य बने इसी कामना के साथ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।